तुम अच्छा मेरे ना कुछ डाउट थे 11.1 के। ओके ऐसा करते हैं ऋषाद, अभी क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं, ठीक सर, है? तो आज ऐसा करते हैं, आई थिंक आप सबने एलिप्स भी ड्राइंग किया होगा, तो एक्सरसाइज में तो कोई डाउट नहीं होगा, मिसलेनियस में ही होगा, है यस सर। ना? तो ऐसा करते हैं, अभी हाइपरबोला हमारा लास्ट टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं, कल मिसलेनियस कर लेंगे, ठीक है? और कल फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कि ऐसा नहीं हो कि हाइपरबोला की थ्योरी फिर रह जाएगी तो वो कल एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है बच्चे? कोई ऐसे हैं जिनको एलिप्स में समझ में नहीं आया है? एलिप्स कोई ऐसे स्टूडेंट हैं एलिप्स समझ में नहीं आया? सो अभी बच्चे देखिए, आपने जो एग्जाम डेट बताई है तो 1 दिसंबर तक हमें स्ट्रेट लाइन और करना है, अभी टुडे इज 21st, ठीक है? ओके कल स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है? चलिए, सो आई थिंक एलिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल टॉपिक था। नेक्स्ट इज हाइपरबोला। ठीक, एलिप्स की डेफिनेशन कोई बताएंगे? रशाद, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स? रशाद चेक कीजिए रजिस्टर। यस सर, वन सेकंड। जी So an ellipse is the set of all the points whose sum of distance from two fixed points is always a constant. Okay, then hyperbola is the set of all the points whose difference of distance, from two fixed point is always a constant, ठीक है? So hyperbola is a set of all the points whose difference of distance from two fixed point is always a constant. तो ellipse में क्या था? Ellipse में था summation of distance, sum of distance from two fixed point is always a constant. Hyperbola में क्या? Difference of distance. ये दोनों में definition में difference है, ठीक है? Ellipse में addition होता है, यहाँ subtraction होता है. First thing is this. उसके बाद एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अगेन हम सिंपल टाइप का हाइपरबोला लेंगे, जहां ये सेंटर ओरिजिन होगा, दिस इज द ओरिजिन, ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस है, सॉरी दिस इज एक्स, ठीक है? सो फर्स्ट हमारा जो So, यहाँ जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं फिक्स पॉइंट्स, दैट इज दिस F1 एंड F2, ये दो फिक्स पॉइंट है। हमने यहाँ एक पॉइंट सिलेक्ट किया, हमने डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है? हमने सपोज इसको P कह देते हैं, हमने PF2 फाइंड किया, हमने PF1 फाइंड किया, सपोज हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट अ 10। हमने एक और यहाँ पॉइंट सिलेक्ट किया, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये किया, वी अगेन गेट, वी विल गेट द 10। अगर हमने ये डिस्टेंस, ये भी पॉइंट है हाइपरबोला पे, हमने इसको डिस्टेंस फाइंड किया, हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी अगेन गेट द 10। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने PF2 माइनस PF1 किया है एंड वी आर गेटिंग अ 10, तो इस हाइपरबोला पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए और आप जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दैट विल ऑलवेज गिव यू अ 10। और सेम होता है यहाँ भी, अगर आपने यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट किया, सपोज P डैश हमने कह दिया, उसका आप यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आप ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट अ 10। क्लियर हुआ? सो हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या है? जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस का, सो दैट विल ऑलवेज गिव यू अ कांस्टेंट। इसलिए दो हमारे ये ड्रॉ होते हैं, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड द हाइपरबोला। एक नहीं, दोनों को हम मिला के कहते हैं दिस इज हाइपरबोला। और डेफिनेशन ये होती है कि ये जो डिफरेंस है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई?
सबको डेफिनेशन क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? सर F1 से F2 डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। F1 से F2 तो बचे दो ही पॉइंट है ना, अगर हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो ये तो फिक्स है, मान लीजिए 100 है, तो हम और कोई F1 और F2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो फिक्स है। F1 एंड F2 हम कह रहे हैं ना टू फिक्स पॉइंट, तो ये वो फिक्स पॉइंट है ना, तो ये हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी ठीक नहीं है। F1 F2 तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, हमारे जो पॉइंट्स वो F1 F2 की बात नहीं हो रही, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो लाई करेंगे ऑन दिस हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की बात हो रही है कि इस हाइपरबोला पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसका आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं दिस वन और आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं दिस वन, तो इनको जब आप सबट्रैक्ट करेंगे देन यू विल ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट। ओके सर, ठीक है बच्चे, और बताइए मुझे अब इस फिगर में किसको डाउट है, दिस इज आवर लास्ट। मुझे डेफिनेशन एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ देखिए रशद, डेफिनेशन के हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब करना क्या है, दो पॉइंट लिए F1 F2, हमने दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, हमने फिर एक पॉइंट लेना है, हमने देखा भाई ये डिस्टेंस कितना है, सपोज 12 है, हमने ये, ठीक है दिस इज पॉइंट P, सॉरी, ठीक है दिस इज पॉइंट P, हमने फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया PF1, सपोज दिस इज 2, तो PF1 माइनस, दोनों सेम हो गए, रिशद PF2 माइनस PF1 कितना हुआ? तो 10, 10 आया, तो हमने फिर एक और पॉइंट चूज किया जिसका फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया और ये किया, अब ये जरूरी नहीं है ये 12 आएगा, ये कुछ भी आ सकता है, बट इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 ही आएगा, फिर एक और पॉइंट सेलेक्ट किया, तो जब हम इन सबको रशद ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक फिगर कुछ इस टाइप से आ जाती है। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस कम है, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ भी अगर हम वो सारे पॉइंट्स लेंगे जिनका डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस 10 आ रहा है तो वो फिगर यही आएगी। सो डिफरेंस 10 हर बार 10 कैसे आ रहा था? यही तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब मैं इसको, यही तो प्रॉपर्टी है, ये F2 है, ये F1 है। अब आपको ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जिनका ये जो डिस्टेंस है, मतलब 10 तो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ऐसा नहीं है कि सारे हाइपरबोला का 10 ही आएगा। यस सर, है ना, अगर हमने ये सब्ट्रैक्ट किया और ये हमें सपोज 10 मिल गया, तो हम ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनका डिफरेंस 10 आएगा उन सबको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो फिगर यही आती है। ठीक है सर, वो जो पॉइंट्स हम जैसे पी ले रहे हैं तो हमें कोई फॉर्मूला है निकालने के लिए पी को? पी का फॉर्मूला अभी देखते हैं, कंडीशंस तो हैं, जो इक्वेशन होगी वही आपको पॉइंट पी दे देगी। ठीक है, अभी इसको पूरा समझते हैं रशद, फिर ये वाले जो आपका डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जानवी आपने बिल्कुल सही टाइम पे ज्वाइन किया था, जानवी ये समझ में आया? जानवी क्लियर हुआ ये हम किस फिगर की बात कर रहे हैं? अब देखिए मुझे जानवी, ठीक है मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दिएगा, आपका मे बी माइक इशू हो सकता है। अच्छा, अब एग्जाम में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, हम फॉर्मुलेस भूलेंगे क्योंकि कंप्लीट बुक है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे फॉर्मूलेस को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ओके, यश का ये है F2P माइनस F1P इज इक्वल टू P-, बिल्कुल ठीक है यश, ये होगा और इसको हम अभी यूज भी करेंगे यश। ठीक है, हम एक डेरिवेशन में इसको भी यूज करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम सारी डेफिनेशंस को, जैसे पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, इनके फॉर्मुलेस को रिलेट करते हैं हाइपरबोला से ताकि हमें एग्जाम में भी याद रहे। ठीक है, और बच्चे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लीज इस चैप्टर में थ्योरी जो है वो NCERT से कीजिए, क्वेश्चंस कहीं से भी कर लीजिए, थ्योरी NCERT कीजिए क्योंकि हर जगह थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इवन थ्योरी में कहना ठीक नहीं है, जो वो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, वेरिएबल या कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, आंसर सेम देता है तो वो कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए प्लीज रिफर NCERT फॉर दिस अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। सो आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया है ना। जानवी अगर आपको डाउट है बच्चे बता दिएगा कि हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है।
अब ये जो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, अब ऐसा मत कहिएगा दिस इज पी, तो ये मत कहिएगा सर पी एफ वन माइनस पी एफ टू ये करेक्ट होगा, नहीं हम ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो नेगेटिव वाली बात नहीं है, वी विल ऑलवेज सबट्रैक्ट ग्रेटर स्मॉलर फ्रॉम द ग्रेटर, तो उसको मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, आप प्लीज याद रखिएगा। जी मुबशिरा, फिक्स पॉइंट एफ वन एफ टू है, ठीक। तो फिक्स पॉइंट की बात हमने एलिप्स में भी की थी, तो आई थिंक अगर आप सबको एलिप्स क्लियर है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एलिप्स में उन टू फिक्स पॉइंट को हम क्या कह रहे थे? मुबशिरा, एलिप्स में हम टू पॉइंट्स को क्या कह रहे थे? सर फोकस। ओके, तो यहां भी हम कहेंगे द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, क्योंकि दो हैं तो इसका प्लूरल हो जाएगा। सर ये जो P और P डैश है सर। जी जी सर। जी जी बच्चे बताइए बताइए। सर ये P और P डैश ये फिक्स पॉइंट नहीं है ना? नहीं, ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट नहीं है। सर F2 और F1 से जो भी डिस्टेंस होगा वो आएगा हमारा, उनका डिफरेंस सेम आएगा। उनका डिफरेंस सेम। और ये पी और पी कोई से ही पॉइंट हो सकते हैं? ये कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। वो फिक्स पॉइंट्स को हम फोकाई कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन मिड पॉइंट जो होगा, अब जरा एलिप्स में बताइए कुछ मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, सब वहीं से रिलेट करते हैं ताकि हमें ज्यादा रिटेन नहीं करना पड़े। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, the mid point of the line segment joining the foci is called the मुझे पेज प्लीज टर्न कीजिए, क्या था? सेंटर, तो यहाँ भी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सब एलिप्स से हम रिलेट करते हैं ताकि हमें ज्यादा लर्न नहीं करना होगा। तो फिक्स पॉइंट फोका हो गया, मिड पॉइंट जो हो गया लाइन सेगमेंट का जॉइनिंग द फोका इज कॉल्ड द सेंटर। क्लियर हो गया? द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। मुझे उसको जल्दी से नोट कीजिए, मुझे बता दिएगा। ठीक है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। चलिए बच्चे रब करते हैं, हो गया सबका? एक मिनट सर। ठीक 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 सर, सर मैथ्स की जो पूरी बुक है सर, उसका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी कब तक हो जाएगा? अब इनके 11th एग्जाम है ना ऋषाद, एग्जाम्स कब से सर? नहीं अभी तक तो कोई डेट शीट आई नहीं मेरी। इसके बाद टर्म हमारी आती है ट्रांसवर्स एक्सिस। बच्चे डेफिनेशन में किसी को भी डाउट है तो मुझे प्लीज बता दिएगा, ठीक। और बेटर है थ्योरी आप यहीं क्लास में ही डिस्कस कर लीजिए और रेफरेंस बुक से मत कीजिएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस एग्जाम में थ्योरी तो नहीं आएगी ना?
मुझे थ्योरी नहीं ली, सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए ना, थोड़ा सा भी उसने क्वेश्चन ट्विस्ट किया तो ऐसा नहीं हो कंफ्यूज हो जाए. द लाइन पासिंग थ्रू द फोकाई इज कॉल्ड द transverse axis. ठीक है, जो लाइन फोकाई से पास हो रही है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस. इसका मतलब ये जो हो जाएगी दिस वन, ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है. सर एलिप्स में उसे मेजर एक्सिस होता है क्या? जी. ठीक, तो ये जो है हमारी दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस. क्लियर हो गया सबको? सो द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस फोकस, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस फोकस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस. नेक्स्ट फिर रब कर दे ट्रांसवर्स एक्सिस, नोट कर लियो. यस सर. यस सर. नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट एक्सिस. Line through the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis. ठीक है, the line which is passing through this center and perpendicular to this transverse axis. Transverse axis के जो perpendicular होती है and passing through the focus, so this is the conjugate axis. ठीक है, अब ये हम simplest type of hyperbola ले रहे हैं, NCERT में सिर्फ इतना ही है. वो center is at the origin, तो it's mean जो y axis है वो conjugate axis हो गई उसकी. X-axis, transverse axis होगी. किसी को डाउट इसमें? यहाँ तक डेफिनेशन सब क्लियर है? यस सर. ठीक है. ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ.
आपके जो डाउट है, ठीक है, मैंने कहा ना ये हम बहुत सिंपल टाइप ऑफ हाइपरबोला ले रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे। अब ये सेंटर अगर ओरिजिन नहीं होगा, सेंटर यहाँ चला गया है ना, तो ट्रांसवर्स एक्सेस यहाँ आ जाएगी और कॉन्जुगेट एक्सेस यहाँ हो जाएगी। ओके ठीक है, हमारे सिलेबस में अभी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है। ओके सॉरी, तो नेक्स्ट हम कर रहे थे वर्टिसेस। तो सेम डेफिनेशन हमारी एलिप्स में भी थी कि व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ एलिप्स, जहां पे वो मेजर एक्सिस को कट कर रहा था एलिप्स, है ना। सिमिलरली हाइपरबोला में हमारी वर्टिसेस क्या होंगी, ट्रांसवर्स एक्सिस को हाइपरबोला जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। क्लियर हो गया सबको? सो हम बात करते हैं, ये हमारा फोकस है, दिस इज फोकस, ये हमारी वर्टेक्स है, दिस इज द वर्टेक्स। तो एलिप्स से इसको कंपेयर कर दीजिए, तो सारी डेफिनेशन सेम आपको मिल जाएंगे, एंड दिस इज फोकस, ये फोकस हो गया। किसी को आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, फोकस क्लियर है, वर्टेक्स क्लियर है, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस भी क्लियर है, एनी डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट स्टार्ट करें। जी, किसी को डाउट तो नहीं है? नो डाउट सर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आसिया आप मुझे बच्चे बताइए कि एलिप्स में हमने फोकस क्या लिया था, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, जहां मेजर एक्सिस जो थी वो एक्स एक्सिस पे थी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या थे? जो जल्दी चेक करके मुझे बताइए सर। प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी वही ले लेते हैं, सी कॉमा जीरो एंड दिस इज माइनस सी कॉमा जीरो। किसी को डाउट तो नहीं है, एलिप्स से ही हम कंपेयर कर रहे हैं, कस्पर ठीक था आपका आंसर? ठीक है, सो फोकस हमने मार्क कर दिया सी कॉमा जीरो। रिशाद मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज अ वर्टेक्स, एलिप्स में वर्टेक्स क्या थी, एलिप्स में वर्टेक्स क्या थी? स्पीकर ऑफ करिए, किस आवाज आ रही है? तो फिर हम जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो हम हाइपरबोला के फॉर्मुलेस को कंपेयर कर देंगे विद एलिप्स, तो हमें याद आ जाएगा कि वहां भी फोकस प्लस माइनस जीरो है, यहाँ भी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो इज अ वर्टेक्स, ये आ गया। उसके बाद हमारे एक वेरिएबल बी आता है। अब देखिए बी को लर्न करने के वहां भी कुछ फॉर्मुलेस थे, ए सी और बी में कोई रिलेशन था, तो बी को लर्न करने के जो आपके पास मैथड्स हैं वो ऐसे देखिए, इसमें से मुझे बताइए कि क्या ग्रेटर है, सी ग्रेटर है या ए ग्रेटर है, Which is more, C or A? C. Which one is greater, C or A? C है, है ना? तो हम ये relation लिख देंगे, C square is equal to A square plus B square. क्योंकि ये A से ज्यादा है ना, इसलिए हमने ये relation लिख दिया। तो यहाँ से B जो आ जाएगा हमारे पास, this is equal to under root of C square minus A square. सर आप किधर की बात कर रहे हैं, सी और ए? बच्चे ये है ना सी, और ए कहाँ है? ए ये रहा। यस सर, सी ग्रेटर है। सी ग्रेटर है। अब सेम वहां चेक कीजिए, अब एलिप्स में चेक कीजिए क्या था, सी ग्रेटर था या ए ग्रेटर था? सर ए ग्रेटर था। ए ग्रेटर था ना, तो उसका जो फॉर्मूला था वो ऐसा कुछ होगा फिर, अगर वो सी से ज्यादा है तो ये देखिए ये होगा फॉर्मूला, चेक कीजिए ऐसा है? यस सर। ठीक, अब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ऐसे ही लर्न करना है, ए बी सी में रिलेशन क्या है चेक कर लिया, ए ज्यादा है या सी ज्यादा है, ओके सी है तो हमने लिख दिया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला हो गया। एलिप्स में चेक किया हमने विच वन इज ग्रेटर, ए ग्रेटर, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एग्जाम में? चलिए अभी तो लर्न हो जाते हैं, मेन होता है एग्जाम तक उसको रिटेन करना, तो वो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास बी के वैल्यू, प्लीज नोट दिस रिलेशन। हो गया, इतना रब कर दें।
वेट वन सर डन एक सेकंड सर कहिए चलिए सीखिए सर जी सर हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एक्सिस भी हाइपरबोला कॉन्जुगेट एक्सिस भी हाइपरबोला बच्चे उसका हाइपरबोला अलग होगा ये हाइपरबोला डिफरेंट है एक और हाइपरबोला जाएगा लाइक दिस जैसे एलिप्स में दो था मेजर एक्सिस पे और माइनर एक्सिस पे वैसे यहाँ एक और हाइपरबोला हम करेंगे हो गया रब कर दें डन सर ठीक है इसके बाद हमारे पास लेंथ आता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है ट्वाइस ऑफ ए ये ट्रांसवर्स एक्सिस है ना ये भी यही लाई कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आता है टू ए सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो आ जाता है length of conjugate axis so that is equal to 2b to ye do definition aapko aur note karni hai that length of transverse axis is 2a length of conjugate axis is 2b so yahan pe jo b points hain wo conjugate axis ke ekdam end mein honge ji sir ji sir aisa hai ki hyperbola jab extend hoga to उसके एक्सट्रीम पॉइंट का लेंथ ही बी होगा कसवल दोबारा रिपीट करेंगे सर जब यहाँ पर राइट वाला हाइपरबोला ऊपर से एक्सटेंड होगा ना जी जी तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट बी होगा वैसा कुछ होगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो बी मिल जाए नो सर नहीं सर जब ये ऐसा जाएगा ना हाँ तो मतलब ये इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट नहीं नहीं खसबल जी ये जरूरी नहीं है ठीक है चलिए इतना हो गया जी सर अगर हम कॉन्जुगेट एक्सिस पर भी पॉइंट लें तब भी तो एफ वन और एफ टू के उससे डिस्टेंस माइनस करें तो अच्छा आप कह रहे हैं कि ये एक पॉइंट ले लें और ये डिस्टेंस अगर हम यस सर ओके इसको अगर ज्वाइन कर दें डिस्टेंस सेम आएगा ये कहना चाह रहे हैं यस सर तो उनका सबट्रैक्ट करें हाँ तो सबट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा तो ऐसे कह सकते हैं कि ये भी हाइपरबोला है हाँ डिपेंड उसमें एक कंडीशन हम ले लेंगे कि वहां जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज ऑलवेज अ जीरो नेक्स्ट फिर नेक्स्ट पॉइंट इज इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी क्या था E is equal to डायरेक्टली लिख देते हैं एलिप्स से कंपेयर कीजिए क्या था इसेंट्रिसिटी C by A C by A तो यहाँ भी लिख देते हैं E is equal to C by A ठीक है ओके अब E मुझे बताएंगे लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा लेस देन वन E दोबारा चेक कीजिए फिगर खसपल ठीक है बिल्कुल greater than है ना so e is greater than equal to 1 अगर c और a equal हो गए ठीक है then 1 हो जाएगा so eccentricity is always e is greater than equal to 1 for hyperbola same condition ellipse में check करके मुझे बताएंगे क्या होगी बिल्कुल ठीक है कस्पर एलिप्स में मुझे चेक करके बताएंगे व्हाट इज द कंडीशन सर उसमें भी तो सेम होगा उसमें बच्चे चेक कीजिए
क्या ग्रेटर होगा सी या ए एलिप्स में? जो उसमें चेक कीजिए क्या कंडीशन आएगी. कोई बता सकते हैं? ओके यश का आंसर बिल्कुल ठीक है, आसिया बिल्कुल ठीक है. सो वहां जो कंडीशन आ रही है इज लेस देन इक्वल टू वन, है ना, वहां सी लेस है ए ग्रेटर है, ऐसा था ना एलिप्स. तो फोकस यहां लाई कर रहा था, ये सी था ये ए था, तो C less था, इसका मतलब E is less than equal to 1 for ellipse. ठीक है, तो इतना हो गया, eccentricity भी हो गई, इसको रब करें. अच्छा फोकस जो होता है हमारा फुकाई या फिर फुकाई होता है सी कॉमा प्लस माइनस सी कॉमा जीरो. अभी हमने क्या सेंट्रिसिटी है सी बाय ए, तो हम ये भी कह सकते हैं सी इज इक्वल टू ए ई, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फुकाई इज प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? मैं वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम दिस, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सबको? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम इस हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस and transverse axis is on x-axis and center is at the origin. ठीक है, इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस x-axis पे, सेंटर हमारा ओरिजिन पे, सो आर इक्वेशन इज x square by a square minus y square by b square is equal to 1. This is the standard equation of a hyperbola whose center is at the origin and transverse axis is on the x-axis. So this is the equation x square by a square minus y square by b square is equal to 1. ठीक है, so ये जो हमारा graph है ये उसकी standard equation है. ठीक, तो हम कुछ points को summarize करेंगे, इसको rub करते हैं बच्चे. ये हो गया, ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ थोड़े से पॉइंट्स रब कर देता हूँ. ओके, अब इसमें हम देखते हैं डिफरेंट जो हमने फाइंड किया था. सबसे पहले हम देखते हैं फुकाई क्या होगी हमारे यहाँ पे. आसिया फुकाई क्या होगी इस केस में? सर प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. मुबशिरा क्या होगा फुकाई? मुबशिरा क्या होगा फुकाई? वॉइस नहीं आ रही बच्चे आपकी. सर प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. ओके, अब्दुल क्या होगा? सर 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 प्लस माइनस बी कॉमा जीरो. ओके, अब एक ही वेरिएबल बचा है, तो रशाद क्या होगा? बिल्कुल ठीक है सर, मेरा मिल गया आपसे. जी आपका मुझे मिल गया. मनस्विन भी है. अच्छा मनस्विन क्या होगा फुकाई? मनस्विन Yes, sir. जी फुकाई क्या होगा बच्चे इस केस में? माइनस सी कॉमा जीरो. बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो. बच्चे क्यों कंफ्यूज हो गए आसिया मुबशिर? अच्छा मेरे को लगा आपने एक साइड लिखा है तो आपने इसे दूसरी साइड पर. अच्छा अच्छा नहीं नहीं मैंने रब कर दिया. ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए थी मुबशिर. इसके लिए डिफरेंट नहीं होगा, मतलब एलिप्स में दूसरा था तो इसमें कुछ और होना चाहिए. नहीं 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 बच्चे, अभी तो हमने यहाँ पे लिखा था ये सब, है ना. मैंने आपसे यही कहा था कि हमें अगर लर्न करना है तो हम एलिप्स से कंपेयर करके लिख देंगे, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लर्न करना.
तो वहां भी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, हमने यहाँ भी लिखा है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, ठीक है? ओके सर। ओके मनीष, मुझे फिर बताइए नेक्स्ट ओरिजिन क्या होगा? सॉरी ओरिजिन सेंटर, सेंटर इन दिस केस इज जीरो कॉमा जीरो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन, आसिया आप बताइए वर्टेक्स क्या होगी? आसिया वर्टेक्स क्या होगी? जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं बच्चे, हमने अभी डिस्कस किया है, तो वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो नहीं होगी? आसिया वर्टेक्स प्लस माइनस, अभी तो हमने लिखा था यहाँ। अच्छा सर, ओके ठीक है। यस सर। नेक्स्ट फोर्थ, मुझे रशाद बताइए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है? हम समराइज कर रहे हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी? सर 2a। 2a हो गई। अब्दुल, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अब्दुल कितनी होगी? अब्दुल जल्दी से बताइए मुझे। नहीं अब्दुल, अभी तो हमने किया है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जस्ट अभी हमने किया है। रशाद बिल्कुल ठीक है। अब्दुल जल्दी से चेक करके मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है मुबशरा। आसिया ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b, ठीक है? उसके बाद इसेंट्रिसिटी, अब्दुल क्या होगी इसेंट्रिसिटी? इज इक्वल टू सी बाय ए। सी बाय ए बच्चे अभी क्या है ना, इसेंट्रिसिटी इज सी बाय ए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं लेंथ ऑफ लैटिस वेक्टर, ठीक है? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द transverse axis perpendicular to the transverse axis through any of the foci, ठीक है बच्चे? ये top वाले ये rub कर रहे हैं, through any of the foci and whose endpoints lie on the hyperbola. ठीक है, and whose endpoint lie on the hyperbola. So ये आपकी लैटिस रेक्टम हो जाती है, this is lattice rectum. ये परपेंडिकुलर है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू एनी ऑफ द फोकाई एंड उस एंड पॉइंट लाई ऑन द हाइपरबोला। तो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है जो हमारी एलिप्स में भी थी, उसमें भी ये था फोकस से पास हो रही थी और एलिप्स को कट कर रही थी, एंड पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहे थे, तो सिमिलरली है। ओके आसिया, फॉर्मूला क्या था लैटिस रेक्टम का एलिप्स में? 2b square upon a. 2b square है, तो यहाँ भी लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2b square by a. तो प्लीज नोट कर लीजिए 2b square by a is the length of lattice rectum. किसी को डाउट है कोई यहाँ तक? क्लियर हुआ?
सर 2v स्क्वायर है कैसे आई ड्राइव करनी है मुझे अभी ड्राइविंग नहीं करो ठीक है अब ये पॉइंट्स कर लो क्योंकि अभी समराइज वे में नोट हो जाएगा तो ठीक है मतलब कंफ्यूजन नहीं हो जाए ठीक है डेरिवेशन में करवा दूंगा ठीक है नोट डाउन दिस ये डेरिवेशन में करवा दूंगा ठीक अभी यहां तक रशाद कोई डाउट है नहीं सर ठीक ओके सो ये कंप्लीट हो गया कि जब ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस पे होती है फिर जो हाइपरबोला ड्रॉ होता है उसमें फोका ये होता है सेंटर दिस वर्टेक्स दिस ये लेंथ हो गई एसेंट्रिसिटी हो गई लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया ठीक है अब नेक्स्ट हम फोकाई करते हैं नेक्स्ट हाइपरबोला करते हैं सर टाइप टू है जी बच्चे ये टाइप टू हाइपरबोला है तो यहाँ जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ओके अनुभव ग्रेट गॉट 48 आउट ऑफ 15 मैथ्स हाफ योर एग्जाम्स ठीक है सो दिस इज एक्स दिस इज वाई तो यहाँ हमारे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो लाई कर रहा है ऑन द वाई एक्सिस डैश अब देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला है एनसीईआरटी थ्योरी में और रेफरेंस बुक थ्योरी में तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चे ध्यान से देखिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इससे पहले जो हाइपरबोला था वो क्या था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो हमने क्या किया कि अब हमारा हाइपरबोला ये हो गया तो अब हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ होगी तो जहाँ भी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी हम ए को वहीं लेके जाएंगे अब यहाँ हमारा फोकस लाई करेगा दिस इज एफ वन एफ टू ठीक है अब ध्यान से समझिए हमने क्या लिखी इक्वेशन सेकेंड टाइप की दिस वन वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन पहले ये थी हमने सिर्फ क्या किया इनको इंटरचेंज कर दिया यानी हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस अब चला गया वाई एक्सिस पे अब देखिए अब इससे क्या होगा अब फॉर्मूले देखते हैं हम फोकाई क्या हो जाएगा पहले क्या था फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा जीरो अभी अब हो जाएगा जीरो कॉमा प्लस माइनस सी तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आ गया वो जीरो कॉमा सी आ गया ये पॉइंट आ गया जीरो कॉमा माइनस सी ठीक है रिशाद हो गया रिशाद बताइए सेंटर क्या होगा यहाँ जीरो कॉमा जीरो सो दिस इज जीरो कॉमा जीरो माइनस वन वर्टेक्स क्या होगी यहाँ माइनस वन व्हाट इज अ वर्टेक्स माइनस वन वर्टेक्स क्या होगी यश वर्टेक्स क्या हो गया यहाँ सर जीरो कॉमा प्लस माइनस है जीरो कॉमा प्लस माइनस है गुड ठीक है सो ये वर्टेक्स हो जाएगी दिस जीरो कॉमा ए और ये भी एक वर्टेक्स हो जाएगी दिस जीरो कॉमा माइनस है उसके बाद फोर्थ पॉइंट और क्या चाहिए लेंथ ऑफ मेजर एक्स सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो गई बिल्कुल ठीक है अब्दुल 2a ठीक है कोई चेंज नहीं है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b ठीक है एसेंट्रिसिटी सिक्स इज एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी कितनी होगी अगेन वही c बाय a सेवेंथ लैटिस रेक्टम लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय बिल्कुल ठीक है उसके बाद सेम हमारा रिलेशन होगा अब यहाँ ग्रेटर क्या c ग्रेटर है तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b
बी स्क्वायर, जी नोट कीजिए ये सेकंड टाइप हो गया। ठीक है, याद रखिएगा हमने सिर्फ क्या किया है, यही हमने एलिप्स में भी किया था, वहां हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वहां जो सेकंड टाइप हमने फॉर्म किया था इनको इंटरचेंज कर दिया था। सर पिछले वाले का क्या रिलेशन था? किस पिछले वाले में? टाइप वन में। टाइप वन में किसके बीच में बचे? सर जैसे भी आपने लिखवाया ना एट्थ में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां भी सेम था। ओके ठीक, मुझे किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबका सब बच्चों का हो गया, रब कर दें इसको। यस सर। ठीक है, ओके अब्दुल ठीक है। अब इसके बाद एक कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि वो हमें क्वेश्चंस में यूज करना होगा। प्रीवियस हाइपरबोला हम लेते हैं, ठीक है, दिस इज अगेन एफ वन, दिस इज एफ टू, एक पॉइंट हमने ले लिया सपोज, यहाँ पी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं दिस इज, इसको हम बी ले लेते हैं। ठीक, तो अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं पी एफ टू माइनस पी एफ वन, हम ये देख रहे हैं कि टू फाइंड द कांस्टेंट, टू फाइंड द कांस्टेंट पी एफ टू माइनस पी एफ वन, ठीक है, सॉरी हम ये फाइंड कर रहे हैं पी एफ टू माइनस पी एफ वन। अच्छा हम क्या ये कह सकते हैं कि पी एफ टू माइनस पी एफ वन करें, या एक पॉइंट यहाँ बी ले लिया हम, इसको अगर हम सपोज ए ले लेते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पी एफ टू माइनस पी एफ वन इज इक्वल टू है ए एफ टू माइनस ए एफ वन के? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? किसी प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक नो सर। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब ए एफ टू माइनस ए एफ वन हम करें, एक पॉइंट यहाँ पे सी भी ले लेते हैं, ये सी एफ वन माइनस सी एफ टू करें, किसी को डाउट तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? मुझे प्लीज बताइए, एक ही बात है ना, हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, ये डिस्टेंस फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी से कर रहे हैं, बात एक ही है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? आसिया बशरा, ठीक है। अब ए एफ टू जो था, ए एफ टू जो था, इसको क्या हम लिख दें ए सी? सर बस एक मिनट, शायद सी एफ टू माइनस ए एफ वन। सर नहीं, मेरी आपको आवाज आ रही है अभी? मुझे अभी आई है, बताइए सर, आपका आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा समझा दीजिए क्या बताया था आपने। ओके ऋषभ, हमने ये कहा था कि हम जो कांस्टेंट बात करते हैं ना, वो कांस्टेंट क्या होगा, तो उसको हम ये ले सकते हैं, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने एक पॉइंट लिया पी एफ टू माइनस पी एफ वन, वो सेम होगा अगर हम ये फाइंड कर लें ए एफ टू माइनस ए एफ वन एज पर द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। यस सर। अच्छा रिशाद, अगर हमने एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया तो ए एफ टू माइनस ए एफ वन, या हमने एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया सी, तो सी एफ वन माइनस सी एफ टू, ये दोनों भी सेम होगा? यस सर सेम।
तो ए एफ टू जो था इसको हम जरा ब्रेक कर दें, इसको हम लिख दें ए सी प्लस सी एफ टू, और सी एफ वन को भी हम लिख दें सी ए प्लस ए एफ वन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। कर दिया, ठीक है। अब ये ए सी और ए सी को कैंसिल हो गया, सी एफ टू को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बचा सी एफ टू माइनस ए एफ वन इज इक्वल टू ए एफ वन माइनस सी एफ टू। अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, सी एफ टू प्लस सी एफ टू इज इक्वल टू ए एफ वन प्लस ए एफ वन। तो इसको ये लिख दीजिए, दिस इज टू सी एफ टू इज इक्वल टू टू ए एफ वन। इसका मतलब सी एफ टू जो होगा ए एफ वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। किसी को डाउट है यहाँ तक? सही प्रूफ आता है? नहीं, मुझे नॉर्मली नहीं आता। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब ये जो था ए एफ टू माइनस ए एफ वन, इसको हम ये लिख दें, ए एफ टू को लिख दें अगर सी एफ टू प्लस ए सी माइनस ए एफ वन, सिर्फ इसको ब्रेक किया, यहां से यहां तक है ना ए एफ टू, इसको लिख दिया हमने ए सी प्लस सी एफ टू, ठीक है इतना। अब ये जो है और ये जो ए एफ वन, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सी एफ टू जो है वो इक्वल है ए एफ वन के, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इक्वल आ गया ए सी के। अब ए सी क्या था? यहाँ से यहाँ तक था ये ए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो लिया था, ये था माइनस ए कॉमा जीरो, तो ये भी हो जाएगा ए। तो ये कंप्लीट क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए, यानी ए एफ टू माइनस ए एफ वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, दिस इज द रिलेशन। ये जो हम कह रहे थे कि कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है, सॉरी फिक्स डिस्टेंस है, दैट इज टू ए। तो अगर वो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि वो डिस्टेंस क्या होगा हाइपरबोला में, वो जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस होता है वो क्या है, तो उस केस में आप यही कैलकुलेट करेंगे ट्वाइस ऑफ ए। तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है सर। किसी भी टाइप के हाइपरबोला में? किसी भी टाइप के हाइपरबोला में, ठीक। किसी को डाउट है? वैसे इसमें किसी को डाउट है? क्लियर हो गया? नो डाउट सर। ठीक है, तो हमने देखिए सब कर लिया, हमने फोकाई कर लिया, सेंटर किया, वर्टिसेस किया, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स और गेट एक्सेस सब कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस कुछ। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप है, टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना होगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट में हमारे पास ये था, फर्स्ट लर्न कर लीजिए, फर्स्ट तो ये। सेकेंड में क्या होता है? यहाँ ये वाई स्क्वायर नेगेटिव है, सेकेंड में क्या होगा? एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। जी कस्पर, सॉरी सर मैं आउट हो गया था, प्लीज वो पिछला बच्चे कहाँ तक कस्पर किया था आपने? तो सीएफ टू इज इक्वल टू एफ वन वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, करता हूँ। लीजिए कस्पर सर। जी रशद, हाइपरबोला में सिर्फ दो ही टाइप है? बस दो ही टाइप है। कस्पिल जब हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। अभी आप आगे कैसे बता रहे थे आइडेंटिफाई करने के लिए? जी रशाद, मैं बस बता रहा हूँ।
सर जी किस पे सर डन ओके ठीक है अब इसके बाद यश मैं बस अभी देखता हूँ ठीक है try this question find the अच्छा हाँ मैं बता रहा था x square by a square minus y square by b square is equal to 1 ठीक है and next है y square by a square minus x square by b square is equal to 1 ठीक है so फर्स्ट इन फर्स्ट केस आपके जो फर्स्ट केस है वहां देखिए वाई स्क्वायर नेगेटिव है दिस पार्ट इज नेगेटिव इसलिए आपका जो हाइपरबोला होगा वैसे हो जाएगा सेकंड पार्ट में एक्स ये पार्ट नेगेटिव है इसलिए हाइपरबोला ऐसे हो जाएगा ऐसे आइडेंटिफाई करना है ठीक है रिशाद नेगेटिव किस पे अगर वाई स्क्वायर पे नेगेटिव है तो ये कॉन्जुगेट एक्सेस बन गई एक्स स्क्वायर पे नेगेटिव है तो ये कॉन्जुगेट एक्सेस हो गई क्लियर हुआ यस सर ठीक है नेक्स्ट ट्राई करते हैं फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुकाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुकाई एंड द वर्टिसेस and the vertices eccentricity the length of lattice rectum the length of the sir question pe given rahega ki wo x axis pe hai y axis pe nahi bache aapko equations identify karna hoga The hyperbolas. So the first question is x square by 9 minus y square by 16 is equal to 1. But I guess my. Hello, identify the type first or second. But you first identify which one type is. बिल्कुल ठीक नहीं ये क्या बताया किसपर length of lattice rectum Okay, because for eccentricity is 5/3. Okay, Asiya ka foci aa gaya. Asiya ne bataya foci is ±5/0. Okay, theek hai. Length of lattice rectum is 2b² / a. So this is 32/3. Bilkul theek hai. Okay, sir. Theek hai. कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है अभी रिशाद अब्दुल अनुभव माना एसेंट्रिसिटी कैसे आई एसेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चे सी बाय सी अपॉन है सी कितना है यहाँ रूट 337 आ रहा है नहीं 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 ए कितना है रिशाद नाइन
नहीं ए स्क्वायर सॉरी सर अच्छा ओके हो गया सबका कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ सबका कंप्लीट हो गया ठीक है होप सबका हो गया स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुबशिरा हो गया ना कंप्लीट यस सर हो गया ठीक है Second is y square minus 16x square is equal to 16. पहले decide कीजिए कौन सी type है, उसके बाद फिर further कीजिएगा. पहले बताइए कौन सी type है. Type two है बिल्कुल. Second type is. Second. पहले लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है पहले इसको कंप्लीट कीजिए कन्वर्ट कीजिए मुझे मुझे एक साथ आंसर फिर भेज दीजिए ठीक है वन बाय वन मुझे सेंड मत कीजिए फोर पॉइंट्स हैं सब फाइंड करके मुझे बता दीजिए फिर चेक कर लेते हैं बिल्कुल ठीक है यश तो 17 कैसे आया था ओके रूट 17 कैसे आया देखिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अब देखिए y स्क्वायर है तो इसके नीचे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो यहां 1 होना चाहिए
इसको 16 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 16 से कीजिए, तो y स्क्वायर बाय 16 माइनस x स्क्वायर बाय 1। सही, तो मैंने कर लिया था, है ना। अब मुझे बताइए रशाद, इसमें a कितना है? 4। 4। b कितना है? 1। 1। हमें क्या चाहिए? c। c और a b c में रिलेशन क्या होगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 4 आ गया। ओके सर, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? अच्छा, मैंने इसमें या तो ब्रेक हो गया था, मैंने बताया था ना कि हमारी दो इक्वेशंस हैं, एक है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट है y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, अगर y एक्सिस पे नेगेटिव है तो ये फर्स्ट टाइप हो जाता है, और अगर x पे नेगेटिव है तो ये सेकंड टाइप हो जाता है। तो यहाँ देखिए, पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, 1 आना चाहिए। इस इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर पे नेगेटिव है इसलिए ये सेकंड टाइप हो गया। क्लियर हुआ मैंने इसमें? सर। ओके बच्चों, और सबका हो गया ये? मैंने सर। जल्दी से कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मनीषवन हो गया कंप्लीट? सर, इसमें सी स्क्वायर की वैल्यू 17 है। सी स्क्वायर की वैल्यू 17 है। आंसर। ठीक, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। Find the equation of the hyperbola with foci 0, plus minus 3 and vertices plus minus under root 11 by 2 with foci this and vertices this, find each equation. सर जी, सर हॉरिजॉन्टल की लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर क्या था? अच्छा, दोनों का सेम था, 2b स्क्वायर बाय, बट मनीषा ये कौन सा टाइप है, टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड? सर टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्यों है मनीषा? देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि फर्स्ट टाइप का क्या है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं बच्चे सेकंड होगा ना, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो सारे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं y पे हैं। Yes, सेकंड टाइप हो गया। अच्छा, कस्पिल का आंसर भी आ गया, आंसर चेक करते हैं। आंसर इज y स्क्वायर बाय 11 बाय 4 माइनस x स्क्वायर बाय 25 बाय 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। Yes, so yeah, मेरा भी सेम है। ठीक है बच्चे, ठीक है।
कल आपकी क्लासेस कितने बजे से हैं? हमारी तो सेम 11 o'clock है, उससे पहले भी आपकी क्लासेस होती हैं? मनस्विन क्लासेस होती हैं 11 o'clock से पहले भी? नो सर। अच्छा नो सर, ठीक है ठीक ठीक। अच्छा हो गया इतना, किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। मनस्विन हो गया था ये क्वेश्चन? सर सेम आंसर? यस सर सेम। ठीक है जी आसिया, नाउ यू आर ऑडिबल। ठीक है अगर बच्चे किसी का नहीं हुआ है प्लीज बता दीजिए। रशाद हो गया था? यस सर हो गया था। ठीक है नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला where foci are zero comma plus minus 12 and the length of the lattice rectum is 36. Find the equation of the hyperbola where foci are this and the length of the lattice rectum is 36. But then what's the equation? जिनका हो जाए वो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा माइनस का होल स्क्वायर, द आंसर इज y स्क्वायर बाय 36 तो ठीक है माइनस x स्क्वायर बाय 108 इज इक्वल टू 1 ठीक इज इक्वल टू 1। अच्छा और सब बच्चे प्लीज चेक कीजिए सबका आंसर यही है। ठीक है यश ओके, और सभी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए अगर सेम आंसर है। सर मेरा ये नहीं आ रहा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे ना मुझे देख लें वो काई क्या रही है 0 कॉमा प्लस माइनस प्लस तो पहले तो ये डिसाइड हो गया कि हमारा जो टाइप है दैट इज दिस ओके फोकाई क्या होता है 0 कॉमा प्लस माइनस सी ठीक है तो इसका मतलब सी कितना आ गया 12 प्लस माइनस 12 सी इज 12 है ना पॉजिटिव लेते हैं yes, तो कोऑर्डिनेट yes. की वजह से लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय तो ये कितना आ गया 36 2b स्क्वायर कितना हो गया 18 है देखिए आ गया रिलेशन क्या होता है क्या ग्रेटर होता है इसमें हमारा c ग्रेटर होता है जी बच्चे सॉरी वो मैंने कैंसिल किया था सर वो मैंने कैंसिल नहीं किया था मैंने डायरेक्ट कर लिया फिर बहुत लेंदी आ गया था कोई इशू नहीं है वो एक ही आना चाहिए सी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी कितना है 12 इसको पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो कितना हो गया 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना था 18 है सॉल्व कर दीजिए बच्चे इसको देखिए कितना आता है सर तो फिर 18 का स्क्वायर भी तो करेंगे 18 का क्यों स्क्वायर करेंगे बच्चे ये तो बी स्क्वायर की वैल्यू है ना ओह यस मैंने 18 का भी स्क्वायर कर दिया था इसीलिए बहुत ज्यादा आ गया ओके ओके ठीक है अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18 है माइनस 144 इज इक्वल टू 0 ठीक है फैक्टराइज कर लेते हैं 144 सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं करेंगे हम ऑलरेडी से ही कर रहे हैं 24 and 6 and 24 and 6 ठीक है सर मेरे फैक्टर नहीं बन रहे थे मैंने यहाँ तक तो आ गया था अच्छा ऋषभ यहाँ से आ रहे हैं ना 24 है माइनस 6 है माइनस 144 इज इक्वल टू 0 ठीक है तो कैसे है 24 देखिए सर 24 यहाँ से आ जाएंगे 2 3 6 हो गया यस सर 2 2 4 2 8 8 3 अच्छा अच्छा हाँ ओके सर 24 यहाँ से भी 6 कॉमन ले लीजिए 8 प्लस 24 इज इक्वल टू 0 दो वैल्यूज आ रही हैं सिमिलरली बी फाइंड कर लीजिए फिर ठीक है चलिए सीखिए इसको बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बी स्क्वायर आ गया यहाँ पुट कर देंगे यू विल गेट द आंसर हो गया मुबशिरा आसिया हो गया तो सॉल्व यस सर ये इक्वेशन आ गई थी उसके बाद समझ नहीं आ रहा था ठीक है बच्चे जल्दी से चेक कीजिए ये आंसर आ रहा है अब्दुल हो गया था अनुभव सर बी तो अंडर रूट 108 आ रहा है बी चाहिए नहीं रिशा था मैं ना मैं तो बी स्क्वायर चाहिए हाँ बिल्कुल ठीक है अंडर रूट 108 ना ठीक यस सर यहाँ पुट कर दीजिए ओके यश का तो सर आ गया आंसर आ गया गुड मनीष हो गया था यस सर मेरा आ गया था ओके ओके ठीक है बच्चे तो ये टॉपिक भी कंप्लीट सो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर इसमें जो डाउट्स हैं आपके मिसलेनियस अच्छा आपको अभी क्या करना है एक्सरसाइज 11.4 क्योंकि कल हमारी क्लास है 11 o'clock तो टाइम है आपके पास थोड़ा कोई टीवी नहीं देखनी अभी कुछ नहीं करना आपकी चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए ठीक है 11.4 कंप्लीट कर लीजिए उसमें डाउट नहीं होंगे कल फिर हम मिसलेनियस करते हैं और उसके बाद स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे ठीक बट प्लीज कल तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए अभी पढ़िए सुबह कीजिए कल तक हो जाएगा ये और जितने भी डाउट्स होंगे कल हम इसके डिस्कस करते हैं ठीक है ठीक थैंक यू सर ओके वेलकम